खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई खाना ऐसा हो जो बड़े बनाएं और बड़े ना खाएं, वो कैसा खाना? भाई ऐसा खाना जो बच्चों के लिए स्पेशली बने। अब बच्चों के लिए कौन सा खाना बनता है? बच्चे ऐसा खाना पसंद करते हैं जो सिर्फ उनके लिए स्पेशली बनाया जाए। जी हाँ, अब वो चाहे छोटे ही बच्चे क्यों ना हो, बेबीज। अब बेबी जो हैं, अब बहुत छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अब आप देखते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको कुछ खाना दिया जाए तो कब दे सकते हैं? अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस समय, तो कुछ देर तक, कुछ महीनों तक आप देखते हैं कि मदर्स मिल्क जो है वो बेस्ट होता है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे खाना इंट्रोड्यूस किया जाता है, कई बार 4 महीने बाद, कई बार 5 महीने बाद, कई बार 6 महीने बाद भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड देना शुरू कर देना चाहिए। अब उसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ और देखते हैं कि खाने को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और जो बनाने वाला है उसको भी मज़ा आना चाहिए, लेकिन आसान होना चाहिए खाना। और बच्चे जो हैं अब बोल ना सकें लेकिन उनकी स्माइल कहेगी भाई वाह क्या खाना है। अच्छा, ये जो खाना है, वैसे तो छोटे बच्चे जो हैं शुरू में थोड़ा सा फ्रूट्स को मैश करके दिया जाता है, लेकिन अब खाने को थोड़ा सा कुकिंग अगर नहीं हो उसके अंदर तो मज़ा नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं कि कुछ फल वगैरह जो हैं उसको किस तरह से मिला सकते हैं। अब जैसे केला है, केले को सिर्फ छील के मैश करके भी बच्चे को दिया जाता है। फ्रूट्स हैं, अगर सेब है उसको स्ट्यू करके दिया जा सकता है या माइक्रोवेव में, बस 1 मिनट थोड़ा सा आपने ग्रेट करके उसके अंदर पका लिया, बहुत अच्छा वो भी लगता है। तो एक काम करते हैं, ये मेरे पास केला हर जगह मिल जाता है और ये एक ऐसा फल है जिसमें एनर्जी भी काफ़ी होती है और उसके साथ साथ टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा, और उसके साथ चाहिए तो चीकू, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये छील लिया हमने चीकू को और केले को। अब एक काम करता हूँ मैं, ये मेरे पास है थोड़ा कस्टर्ड, तो ये कस्टर्ड थोड़ा सा है। और ये ले लिया हमने दूध, दोनों को ये लीजिए। अच्छा, बहुत टेस्टी बनेगा, तो अगर बड़ों को चखना है तो चख सकते हैं। ये कस्टर्ड और दूध, इसको पकने देते हैं। और ये जो चीकू है ये लीजिए, ये चीकू काट लिया, और उसके साथ साथ ये केला ये लीजिए, जो कस्टर्ड है दूध में जैसे जैसे गाढ़ा होता है उसके साथ साथ इसमें हम चीनी भी डाल देते हैं। वैसे तो जो फ्रूट्स हैं उसमें भी अपनी चीनी है, लेकिन थोड़ी सी मिठास, चाहे बच्चे हों बड़े हों, सबको मीठा अच्छा लगता ही है। एक्चुअली जो कस्टर्ड पाउडर अगर आप देखें तो उसका जो फ्लेवर है खासतौर से माइल्ड वनीला फ्लेवर होता है, बच्चों को अच्छा लगता है काफ़ी, तो इसलिए ये ले लिया। उसके साथ साथ ये जो फ्रूट्स हैं ये इसके अंदर, और अब ये हो गया तैयार। नहीं नहीं, अभी देखिए, कुकिंग के अंदर एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो है इसकी कंसिस्टेंसी। और बच्चों के लिए अब इतने बड़े पीसेस नहीं खिला सकते हैं, ये मैं कहूँगा कि ये जो हम बना रहे हैं करीब 6 से 7 महीने के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए परफेक्ट है। तो इसको थोड़ा पका के ठंडा करके इसको प्यूरे करेंगे हम, हैंड ब्लेंडर से इसे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए, और इसमें पीसेस जो हैं वो नहीं रहने चाहिए। ये करने के बाद भी फिर भी आप चेक कर लें कि इसके अंदर कोई बड़े पीसेस नहीं रहने चाहिए फ्रूट्स के, वो इसलिए ताकि जो बच्चे हैं छोटे बच्चे, खाने में अगर कोई बड़ा पीस आ जाएगा तो चोकिंग हो सकती है, तो इसलिए ध्यान से मिक्स कर लिया हमने। और आप देखिए, दिखने में तो अच्छा लग ही रहा है और स्वाद में कैसा होगा, स्वाद में हमें कैसे पता चलेगा, ये तो बच्चे खाएंगे तभी पता चलेगा। वाह, केले का स्वाद, चीकू का स्वाद कस्टर्ड के साथ में, खैर बच्चे ही क्यों इस टेस्ट को खाएं, हम बड़े क्यों नहीं खा सकते? भाई ज़्यादा बनाइए, बच्चों को थोड़ा सा दें। हाँ, जब बच्चों को दे रहे हो तो गर्म नहीं, रूम टेम्परेचर पे दें,
खास तौर से बेबीज को। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। फ्रूट कस्टर्ड के लिए हमें चाहिए एक बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, एक कप दूध, एक बड़ा चम्मच चीनी, एक केला कटा हुआ और आधा चीकू कटा हुआ। इसे बनाने के लिए आधा कप दूध में कस्टर्ड पाउडर डालकर मिला लें। बचा दूध एक पैन में डालकर गर्म कर लें। इसमें दूध में घुला हुआ कस्टर्ड डालकर गाढ़ा होने तक पका लें। इसमें चीनी और कटे फल डालकर करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएं और फिर इसे किसी हैंड ब्लेंडर के साथ मिक्स करके थोड़ा ठंडा करें और सर्व करें।